नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। एक बार फिर मॉनसून की चपेट में आ गई है मुंबई। मूसलाधार बारिश हो रही है, मुंबई शहर पानी पानी हो चुका है। मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है, सबवे पानी से लबालब हो गए हैं। और फिर सामने आ गई है मुंबई में जलभराव की वो समस्या जिससे मुंबईकर अक्सर और लगातार जूझते आ रहे हैं। शाम 7 बजे हाई टाइड आने की भी चेतावनी जारी की गई है। कई ऐसे इलाके हैं जो सुबह से बारिश से तरबतर हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि कुछ जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो कई इलाकों में 160 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मुंबई के कई इलाकों में बारिश से भारी तबाही मची है। ये बारिश इस पूरे हफ्ते तक जारी रह सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है। ऑरेंज अलर्ट है मुंबई में। ये किंग सर्कल की तस्वीर है जहां पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं और पूरा हफ्ता मौसम विभाग का कहना है कि बारिश उसी तरीके से जारी रह सकती है। आज शाम हाई टाइड की भी चेतावनी दी गई है। 3 मीटर ऊंची तक लहरें उठ सकती हैं, घुटनों तक पानी भर गया है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न है। मुंबई के कई इलाके ऐसे जहाँ पर सबवे में पानी भरा हुआ है। मुंबई शहर और सबर्बन इलाकों में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। इस वक्त हम मुंबई के मिलन संपे इलाके में हैं और यहाँ पर हुई 2-3 घंटे की तेज बारिश के बाद ये आलम है। सबवे में पानी अच्छा खासा भर गया है, गाड़ियों की आवाजाही में मुसीबत हो रही है, आप अपने सामने देख सकते हैं। दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि मौसम विभाग ने आज मुंबई और आसपास के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। ऑरेंज अलर्ट यानी तमाम एजेंसियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है कई सबर्बन इलाकों में। वाटर लॉगिंग की छुटपुट इलाकों से खबरें भी आ रही हैं। हालांकि दिन भर में हाई टाइड का खतरा तो नहीं है। हम अक्सर देखते हैं तेज बारिश के साथ जब हाई टाइड होती है तो कई जगहों पर पानी भर जाता है, खास करके लो लाइंग एरियाज में। हालांकि दिन भर में वो खतरा तो नहीं है क्योंकि अगली हाई टाइड जो होगी वो शाम के 7 बजे होगी, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। गाड़ियों की आवाजाही में मुश्किलें आ रही हैं और ऐसे समय में मौसम विभाग ने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने और मुंबई पुलिस ने तमाम मुंबई वासियों से दरख्वास्त करी है कि वो स्थिति को देखें और जरूरी हो तभी घर से निकलें। लगातार लोगों को यही कहा जा रहा है कि पहले हालात देखिए और उसके बाद बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकला जाए। मिलन सबवे से इस वक्त हमारे साथ पंकज उपाध्याय और ये वहीं की रिपोर्ट दिखा भी रहे थे, सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साइंस से हमारे साथ वेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिलन की तस्वीरें तो हम दिखा चुके हैं, ताजा हालात तो पंकज आपसे जानेंगे, लेकिन पहले एक साइंस अपडेट ले लेते हैं, वहां की हालत क्या है निवेश? जी आपको बता दें, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकती हैं यहाँ पर जल जमाव हो गया है। सायन का ये गांधी मार्केट इलाका है जो लो लाइंग इलाकों में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बार ऐसे हादसे भी होते हैं जिसके वजह से ओपन मैनहोल जो होता है, ओपन सीवर जो होता है, उसमें कोई व्यक्ति गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कोई हादसा ना हो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर डेंजर मार्क लगाया हुआ है और बीएमसी के जो कर्मचारी हैं पुलिस कर्मचारियों के साथ यहाँ पर तैनात हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो। आईएमडी ने एक ऑरेंज, बीएमसी ने एक ऑरेंज अलर्ट दाखिल किया है जिसके तहत अभी जहां पर मुंबई के अलावा जो अन्य आइसोलेटेड इलाके हैं वहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की अलर्ट दी गई है आईएमडी की तरफ से। ठाणे, रायगढ़ और जो कोस्टलाइन के इलाके हैं, समुद्री तट पर जो बसे हुए इलाके हैं वहां पर भारी से बहुत ज्यादा भारी वर्षा भी हो सकती है, ऐसा आईएमडी ने प्रेडिक्शन किया है। अभी भी बरसात हो रही है यहाँ पर, कुछ जगहों पर रोड भी डाइवर्ट किए गए हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर सायन के इलाके में ये रोड कंप्लीटली बंद कर दिया गया है, सिर्फ हैवी व्हीकल्स को, जो ऊंची गाड़ियां हैं उन्हें यहाँ पर आने दिया जा रहा है। पर कुछ देर बाद जब जल जमाव यहाँ पर और ज्यादा हो जाएगा ये रोड पूरी तरीके से गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, साइन की तस्वीर हमने आपको दिखाई मिलन सबवे के बाहर से इस वक्त पंकज उपाध्याय। पंकज, आपकी एक रिपोर्ट भी हमने देखी है क्योंकि जब भी बारिश होती है हालात ऐसे ही होते हैं, अभी क्या तस्वीर है वहां पर? नवजो, देखिए बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब सिर्फ मुंबई शहर में ही नहीं बल्कि सबर्बन इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 घंटों तक मुंबई वासियों को सतर्क रहना पड़ेगा
क्योंकि बारिश की तीव्रता है वो बढ़ती ही जाएगी। अब हालात सिर्फ आज के नहीं है, आज के लिए तो खैर ऑरेंज अलर्ट साउंड कर दिया गया है, लेकिन यही हालात पूरे वीकेंड तक यानी शनिवार तक रहने वाले हैं, ना सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि थाने, पालघर, रायगढ़, ये तमाम इलाके हैं जहां के लिए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। हालांकि जैसा कि मैंने रिपोर्ट में भी बताया, जो हाई टाइड है वो शाम के लिए है, शाम के 7 बजे है, लेकिन इस वक्त भी मूसलाधार बारिश हो रही है। नतीजा ये हुआ है जो लो लाइंग एरियाज हैं, चाहे वो मिलन सबवे है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, सायन की हम बात कर लें, दादर की बात कर लें, और मुंबई पुलिस ने तो खुद कई जगहों का नाम लेकर कहा है कि इन इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई है। मुंबई वासी सतर्क रहें, अगर जरूरी नहीं है तो घर से ना निकलें। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए ट्रैफिक किस तरीके से यहाँ पर अवरुद्ध हो गया है। मिलन सबवे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास एक बड़ा महत्वपूर्ण सबवे है, अगर यहाँ वाटर लॉगिंग हो जाए या यहाँ पर अगर ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाता है तो आप समझ सकते हैं इसका सीधा नतीजा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे होता है, और इस वक्त वही हो रहा है क्योंकि पिछले 2-3 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस लो लाइंग एरिया में पानी भर चुका है। तो दूसरे छोर पे मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि गाड़ियों को वहां से इस छोर पर आने में कितनी मुसीबतों का सामना हो रहा है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है, मुंबई वासियों को याद रखना है, मौसम विभाग ने यह चेतावनी दी है कि बारिश की तीव्रता अगले 2-3 घंटे में और ज़्यादा बढ़ेगी। ऑफिस गोवर्स तो जा ही रहे हैं, लेकिन जो तमाम मुंबई वासी इस वक्त सोच रहे हैं घर से निकले या ना निकले, उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है, अगले 2-3 घंटे बारिश की तीव्रता और ज़्यादा बढ़ेगी, जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर पानी भर गया है, इसलिए सोचें समझें और जरूरी हो तभी घर से निकलें। बिल्कुल दोहरी मार एक तरीके से, क्योंकि कोरोना की वजह से मुंबई में जैसा हम सभी जानते हैं मामले लगातार काफी ज्यादा बढ़े हैं, लोग वैसे ही घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, और ऐसे में बारिश भी आफत बनकर आई है, और लगातार लोगों को चेतावनी ये दी जा रही है कि जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकले। ये थार लिंक रोड की विजुअल्स भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरा मुंबई शहर पानी पानी हो चुका है, चाहे वो दादर का इलाका हो, मिलन सबवे का इलाका हो, सायन का इलाका हो, हर जगह से तस्वीरें ऐसी ही आ रही हैं। आज बुधवार का दिन, कामकाजी दिन है, वर्किंग डे है, ऐसे में लोग जो घरों से पहले ही निकल चुके हैं दफ्तरों की तरफ, उसके बाद अब ये अंदाजा लगाइए क्योंकि अगले आने वाले 2-3 घंटे में कहा जा रहा है कि हैवी से भी हैवी रेनफॉल वहां हो सकती है, तो ऐसे में जब घर वापसी होगी 5 बजे का वक्त होगा, छुट्टी होगी, तो उसके बाद हालात क्या होंगे, और ठीक 7 बजे का वक्त वो बताया जा रहा है, जबकि हाई टाइड की भी चेतावनी है। ऑरेंज और येलो अलर्ट बहुत सारे ऐसे इलाकों में जारी कर दिया गया है, थाने हो, पालघर हो, रायगढ़ हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि पूरा दिन और कहें कि अगले 2-3 दिन तक मौसम इसी तरीके से रह सकता है, भारी से भारी बारिश हो सकती है। थार लिंक रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, न सिर्फ ये हालात मुंबई के एक इलाके में बल्कि ऐसी तस्वीरें हर इलाके से आ रही हैं, चाहे वो मिलन सबवे का इलाका हो, सायन हो, दादर हो, कोई भी ऐसा इलाका हो, हर जगह से तस्वीरें ऐसी ही आ रही हैं। जल जमाव की तस्वीरें, कई जगह तो हालात ये हो गए हैं कि सड़कों को बंद किया गया है। दिवेश हमारे साथ इस वक्त साइन से मौजूद है। दिवेश, हैवी व्हीकल्स जैसा आप बता रहे थे कि वहां से अब जितने छोटे वाहन हैं उनको बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है वहां पर। जी आपको बता दें कि पानी अब धीरे धीरे इस इलाके में बढ़ता ही जा रहा है, काफी देर से यहाँ पर बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, जिसके बाद ये जल जमाव यहाँ पर शुरू हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो पैन कर दिखाएं कि किस तरीके से सायन का जो ये गांधी मार्केट का इलाका है वो पूरी तरीके से भर गया है, एक तरफ का रोड पूरी तरीके से जल जमाव हो चुका है यहाँ पर, और इसके बाद अब एक तरफ का जो रोड है, एक तरफ की जो रोड की ट्रैफिक है उसे बंद कर दिया गया है, कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर हैवी व्हीकल्स को प्लाई करने दिया जा रहा था, पर अब हैवी व्हीकल्स को भी, जो ऊंची गाड़ियां हैं उन्हें भी यहाँ पर प्लाई नहीं करने दिया जा रहा है। आपको जैसे कि हमने पहले भी बताया कि बीएमसी की कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं, यहाँ पर ओपन मैनहोल है, जिस ओपन सीवर है, जिसके वजह से यहाँ पर हादसा हो सकता है, कोई उसके अंदर गिर सकता है, इसीलिए यहाँ पर एक साइन भी लगाया गया है और बीएमसी की कर्मचारियों को तैनात किया गया है कोई भी उस ओपन मैनहोल के पास ना जाए। इसके अलावा मुंबई में अन्य बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि लो लाइंग एरियाज में हैं, हिंदमाता का जो इलाका है, सायन माटुंगा का जो इलाका है, वहां पर जल जमाव हो रहा है। वेस्टर्न सबर्ब्स में जैसे कि पंकज बता रहे थे, वहां पर भी काफी जगह पर मिलन सबवे का जो इलाका है वहां पर जल जमाव हो चुका है। अन्य बहुत सारे इलाके अगर इसी तरीके से बरसात होती रही
अगले कुछ घंटों में वहां पर भी जल जमा हो जाएगा। इसीलिए ये चेतावनी दी जा रही है बार बार बीएमसी की तरफ से, डिजास्टर कंट्रोल रूम की तरफ से और अन्य पुलिस विभाग की तरफ से कि अगर जरूरी ना हो तो आप बाहर ना निकले, क्योंकि बीएमसी ने एक ऑरेंज अलर्ट इशू किया है जिसके तहत मुंबई में काफी भारी बरसात हो सकती है। आईएमडी का कहना है कि मुंबई के अलावा रायगढ़ और जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल इलाके हैं मुंबई के आसपास, थाने, नवी मुंबई, रायगढ़ के इलाके, वहां पर कुछ आइसोलेटेड स्पॉट पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन दिया गया है आईएमडी की तरफ से। काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर बारिश हो सकती है जिसकी वजह से जल जमाव हो सकता है। इसीलिए लोगों को बार बार ये प्रिकॉशन लेने के लिए कहा जा रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो वो घर के बाहर ना निकले और खासकर उन इलाकों में ना जाएं जो लो लाइंग एरियाज हैं। लोगों को बार बार ये चेतावनी कर कहा जा रहा है, अलर्ट इशू किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इन्फॉर्म किया जा रहा है ताकि लोग पूरे प्रिकॉशन से पूरा ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से वो इन इलाकों में ना जाएं जो लो लाइंग इलाके हैं जहां पर पानी जल भराव पानी भरना यहाँ पर शुरू हो गया है। बिल्कुल एहतियातन वहां पर, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं दिवेश आपके पीछे, किस तरीके से बीएमसी के कर्मचारी भी खड़े थे क्योंकि ओपन मैन होल है और इस बीच लोगों को हिदायत ये दी जा रही है कि इस तरफ ना आए, हैवी व्हीकल्स ही उस एरिया में जाएं क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये खार लिंक रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ तमाम ऐसे इलाके जहां पर हैवी से हैवी रेनफॉल की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।